राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे, इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ द एम्प्रेस एंड एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन देखिए कितना प्यारा है। फोर ऑफ पेंट्स बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ कप्स, द सन। मैं शो कर रही हूँ आपको कार्ड, आपके दिखा रही हूँ। प्लीज़ वेट, प्लीज़ प्लीज़ वन सेकेंड। यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड था, आपके लिए फर्स्ट कार्ड था एट ऑफ सोर्स क्लैरिफिकेशन, क्वीन ऑफ कप्स। आप क्या समझे हैं, आपके मन में क्या इंट्यूशन आ रहा है वो लिखिएगा इन दो कार्ड्स को देख के। जो भी आपको इंट्यूशन आया है पॉज कर दीजिए यहीं वीडियो, और आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर आया कि आपको इंट्यूशन क्या आ रहा है। आप समझ पाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो पॉज कर दीजिए और कमेंट लिखिए कि इन दोनों कार्ड को देख के आपको क्या आ रहा है। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल क्या है ये दोनों कार्ड। इनका ये एट ऑफ सोर्ड्स और क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ कप्स से जो है, एट ऑफ सोर्ड्स क्या एनर्जी थी आपके पर्सन की, इस तरह बंधे हुए चारों तरफ से, कोई रास्ता नहीं था आपकी तरफ निकलने का। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे आपको अप्रोच किया जाए, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सेपरेट हो गए। भले ही ये खुद गए हों, उसके बाद भी ये सोच में पड़ गए कि मैंने सेपरेशन क्रिएट किया, मुझसे हुआ ये सब। इन्हें कुछ नहीं पता कि कैसे आप सेपरेट हुए, कैसे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि कुछ इन पर किया गया था। कोई किया गया मतलब ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल्स, कोई टोने टोटके, इनको वशीकरण कुछ किया गया था, कोई एनर्जी इन पर डाली गई थी जिसकी वजह से ये आपसे सेपरेट हो गए थे और ये नहीं समझ पाए कि आखिर क्यों हुआ। समझ ही नहीं पाए इनको, अचानक से ये दूर हो गए। और आपके प्यार ने, आपका प्यार सच्चा है, आपने इनको दिल से चाहा था, आपने इनको चाहा था, इनसे कुछ नहीं चाहा था, इनको चाहा था। इसीलिए वो जो प्यार सच्चा होता है ना, वो अपनी जगह बना लेता है। कोई लाख टोने टोटके कर ले, कोई लाख ब्लैक मैजिक कर ले, वशीकरण कर ले, लेकिन सोल में जो प्यार बस जाता है ना, उस सोल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उस सच्चे प्यार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो प्यार इनके दिल में रहा उस सेपरेशन में भी, वो जो इन पर काली क्रियाएँ कुछ भी कर दिया गया, उसके बाद भी आपका प्यार इनको याद रहा। भले ही 3D में आके सामने आके ये कुछ नहीं बोल पाए आपको, लेकिन आपका प्यार इनको अभी भी याद है। ये दिल से आपको एडमायर करते हैं, ये मानते हैं कि प्यार की अगर किसी ने सही परिभाषा सिखाई है इनको, तो वो आपने सिखाई है। ये आपको अपना लव गुरु मानते हैं कि प्यार करना, प्यार निभाना, ये कोई आपसे सीखे, ये बात ये समझते हैं। लेकिन सेपरेट क्यों हुए, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, ये इन पर रिचुअल्स किए गए, ये आप किसी के साथ रिचुअल्स किए गए, और किसी के साथ DF की अवेकनिंग के लिए DM का सेपरेट होना ज़रूरी होता है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि इनको सेपरेट होना पड़ा। अब किससे क्या कनेक्ट हो रहा है ये आप लोग बेटर समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप
आपको इंट्यूशन क्या है, क्योंकि वो दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ही ऐसा था कि वो कितना भी बंधे हुए थे उसके बाद भी वो आपको ही चाहते हैं। आपका प्यार नहीं भूले, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ये सॉन्ग आपसे रेजोनेट कर रहा है, आप इसको सुन लीजिएगा। इसकी जो एनर्जी होगी ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपके लिए चैनल सॉन्ग है। मुझे अभी जस्ट एकदम से सॉन्ग याद आया जो मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको अपनी इम्प्रेस मानते हैं। इनके दिल पे अगर कोई राज्य करता है तो वो आप करते हो, इनके दिल की साम्राज्ञी आप हो। आप भले ही ये अब वही है कि सेपरेट हैं तो 3D में नहीं आपको कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जब ये कोई काम करने चलते हैं, मान लीजिए अगर कुछ पहनते भी हैं कपड़ों के बारे में भी, तो इनके माइंड में पहला ये आता है कि आपको कौन सा कलर पसंद था, वो कलर ये चूज़ कर लेते हैं कि आपको ये कलर पसंद था, आपको ऐसे कपड़े पसंद थे। कुछ खाने भी चलते हैं तो आपको क्या पसंद था, ये अपनी पसंद छोड़ के आपकी पसंद खाने लगते हैं कि मेरे पर्सन को ये पसंद था। ये ऐसे दूर रह के आपसे प्यार निभा रहे हैं, मेरा गला भर आ रहा है इनके इस प्यार को फील करके। ज़रूर आपके पर्सन की एनर्जी है, दूर रह के ये अपने दिल पे आपका राज चाहते हैं। जैसे राम जी ने ना कि माँ सीता पे इतने आरोप लगा दिए गए, सब कुछ इतना तबाह कर दी गई उनकी ज़िंदगी, उनका प्रेम जीवन, उनका वैवाहिक जीवन। उसके बाद भी जब दूसरी शादी की बात आई तो राम जी ने सीधा मना किया कि नहीं, मैं अपनी सीता को वचन दे चुका हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। यानी और माँ सीता तक ये बात, मतलब गुरु माँ जो थी उन्होंने बताया कि देखो हम सब ने, प्रजा ने माँ सीता, महारानी सीता को इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन महाराजा राम ने अपनी पत्नी को अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। तो यही आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन पे कोई भी रिचुअल्स, कोई ब्लैक मैजिक कर दिए गए, वो हो गए सेपरेट, वो एनर्जीज का गेम था, लेकिन आपके पर्सन ने अपने दिल के सिंहासन से आपको कभी नहीं उतारा। आप आज भी उनके दिल के सिंहासन पर बैठे हो, और ये हुआ है डिवाइन की मर्जी से, ईश्वर ने ये कृपा की है। कहते हैं कि मेमोरी एक होती है ना, मेमोरी लॉस होना बहुत बार ऐसे होता है, अपने मूवीज़ में देखा होगा कि लोगों की याददाश्त चली जाती है। अब सच में होता हुआ तो मुझे नहीं पता, होता तो है सच में, लेकिन मेरे मतलब मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे कोई पर्सन नहीं आए, मूवीज़ में सीन देखे हैं कि मेमोरी लॉस हो जाती है। तो यहाँ ये बात मुझे इसलिए आ रही है, इसलिए थॉट आ रहा है कि मान लो किसी पर्सन की मेमोरी लॉस हो भी गई, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वो अपना सच्चा प्यार नहीं भूला। सब भूल गया लेकिन सच्चा प्यार नहीं भूला, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूला। क्यों? क्योंकि ये प्यार जो है ना, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप लोग पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे के होते आए हो, डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया था, बट लर्निंग देने के लिए आप लोग सेपरेट हुए हो। कुछ रिचुअल्स भी अगर ब्लैक मैजिक वगैरह भी अगर असर किए हैं तो वो इसीलिए असर कर गए हैं, क्योंकि डिवाइन का भी ये प्लान था कि आप लोग सेपरेट हो गए, अपने अपने वर्क करो, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक वो सब सक्सेस हो पाए। अदरवाइज आपके प्यार के साथ ईश्वर स्वयं खड़े हैं, ईश्वर स्वयं उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, ईश्वर स्वयं उन्हें किसी और का नहीं होने देंगे। यहाँ भगवान खड़े हैं आपके प्यार के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन देखिए, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्मिक है। ये जो भी कार्मिक पैटर्न है, थर्ड पार्टी जो भी हो, जो भी ऐसा रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, कुछ भी हो जो आपके अगेंस्ट है, वो जा रही है और ये आपसे यूनाइट होने आ रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड है। आप अगर मैरिज की दहलीज पे हैं और मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन से आपकी मैरिज भी होगी, ये आपसे यूनाइट होने ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ईश्वर है ना आपके साथ, इस डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पे आपके रिश्ते पे, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट आप कुछ ऐसा फील कर रहे होंगे, आप बहुत बैलेंस एनर्जी फील कर रहे होंगे, आपको वन की सिंक्रोनिसिटी अगर हो रही होगी, आपको अगर मतलब इंटीमेसी वाले बर्ड्स एनिमल्स दिख रहे हैं, कपल्स दिख रहे हैं, अगर आपको हार्ट का फिगर ज़्यादा आ रहा है आपके सामने, ग्रीनरी ज़्यादा आ रही, फ्लावर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी आपकी जो लव लाइफ है, ये जो पर्सन है आपसे, इनका रिश्ता डिवाइन अच्छा करने में जुटे हुए हैं, डिवाइन रास्ते खोलने में जुटे हुए हैं कि इस ये रास्ता खोलो, अब ये रास्ता खोलो, अब ये ब्लॉकेज क्लियर करो, तब जाके ये दोनों यूनाइट होंगे। अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा कि कायनात आपको मिलाने में जुटी हुई है, कायनात आपको मिलाना चाहती है, ईश्वर आपके साथ हैं, इसीलिए ये कार्मिक बैगेज जा रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो कोई अगर सिचुएशंस हैं, कोई का अगर मैं ये कहूँ कि कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स के साइकोलॉजी भी चेंज होगी, आपकी फैमिली, आपके और उनके फैमिली मेम्बर भी
आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी हो थर्ड पार्टी होगी तो वो हो जाएगी। और अगर ये कार्मिक पैटर्न है कि रिलीजन और कास्ट फैक्टर है, तो आपकी फैमिली, आप दोनों की फैमिली को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कायनात जुटी हुई है आपको यूनाइट करने के लिए। यहाँ देखिए सेवन ऑफ वैंड्स, इनसे वर्क कराया जाएगा, इनसे इनसे एक्शन, ये एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि कार्मिक बैगेज जा रहा है ना इनका, इनका फाइव ऑफ पेंटिकल्स का क्लेरिफिकेशन जो फोर ऑफ वैंड से आया, तो यूनियन के लिए ये ऑफर डालने वाले हैं। बहुत जल्दी ये यूनियन के लिए ऑफर डालेंगे। ये कुछ वीक का टाइम ज़रूर मुझे लग रहा है इनका, सेवन वीक्स का टाइम लग रहा है इनको। सेवन वीक्स में, अब आप सोच रहे हो सेवन वीक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सेवन वीक बहुत ज़्यादा नहीं होते, वन एंड हाफ मंथ होता है ओनली। तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, ट्रू लवर्स हो, तो इतना इंतज़ार किया है तो सेवन वीक्स ज़्यादा नहीं है। अगर सेवन वीक्स में भी ये कंफर्म हो जाए कि मेरा पर्सन मेरे फेवर में कोई एक्शन ले रहा है और आपको दिख जाए, एक्शन तो वो उन्होंने लेना शुरू कर ही दिया होगा, प्लान उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो आपको सेवन वीक में नज़र आएगा तो ये भी कम नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ सेवन वीक में आपके पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन का है हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ कप्स एंड द सन। तीनों बॉटम ऑफ द डेक कितने प्यारे हैं। आपके पर्सन को सच्चाई समझ आ गई है। सच्चाई का मतलब है कि आपकी अच्छाइयाँ दूसरों की बुराइयाँ। अभी तक इनको आप में कमियाँ लगती थी, अभी तक ये आपको समझाते थे कि ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते, ऐसा किया करो, वैसा किया करो, ये सही नहीं होता, वो सही नहीं होता, आपको समझाने में रहते होंगे। लेकिन अब इनको ये समझ आया कि नहीं, आप सही थे, आप ऑलरेडी बहुत सही थे, यही आपको समझने में गलती करते थे। इसलिए ये आपसे अपनी फैमिली, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आप अपना पेयर ये आपके साथ ही कंप्लीट मानते हैं। आपके साथ बच्चे भी, ये किड्स भी अमेजन करते हैं, ये चाहते हैं कि हम साथ होते तो हमारे बच्चे होते, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और ये जो भी एनर्जी है, ये अब जैसे ये पहले थे वैसे ये बिल्कुल नहीं रहने वाले। आप अगर आपको मतलब जिस भी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, जैसे भी आपकी एनर्जी थी, ये बिल्कुल उस एनर्जी से बिल्कुल अगेंस्ट का मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये अपनी सोल में ये बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपसे स्पिरिचुअल बातें करेंगे ये, और आप जिस तरीके से अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो उसको ये फॉलो करेंगे। आप अगर इनसे कहोगे कि देखो ऐसे मेडिटेशन किया करो, देखो ये रिचुअल्स किया करो, ऐसे किया करो, तो ये अब उसको फॉलो करेंगे। और अगर आप पहले कहा करते थे, अगर आप पहले कुछ कह दिया करते कि देखो ये वाली पूजा किया करो, ऐसे इनका नाम लिया करो, ऐसे सुबह डेली सुबह ऐसा कर दिया करो, या शाम को सोने से पहले ऐसा किया करो, आप जिस तरीके की बातें इनसे किया करते थे वो सब ये अब फॉलो कर रहे हैं। अब इनको आपको वैल्यू समझ आ गई, अब इनको समझ आ गई कि आप जो कहते थे वो बातें अब अगर ये फॉलो करते हैं तो इनको कितना सुकून मिलता है। तो इस वजह से ये आपको फॉलो करने लगे हैं, आपकी वैल्यू समझ गए हैं, और ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये वैसे हो जाएंगे जैसे एक सही फॉलोअर होता है, कि आप जो कहेंगे, इनके माइंड में ये आ चुका है कि इन्होंने अपने मन का बहुत कर लिया और क्या मिला इन्हें, सिर्फ दर्द। अब ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपके हिसाब से चलना चाहते हैं कि अब ये वो करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। मोनोलॉजी से इनके इमोशंस देख लेती हूँ और क्या है। मोनोलॉजी से यू आर गुड इनफ, ये कह रहे हैं आप और मत बदलो, मुझे लगता है आपने अपने बहुत वर्क किया है, आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि आपने ये सोच लिया कि मेरा पर्सन जब आएगा तब ठीक है, मैं किसी और का तो नहीं हो सकता, और की तो नहीं हो सकती, लेकिन अब अपने पर्सन को भी मुझे चेज नहीं करना। ये बैलेंस आपने बना लिया, किसी और का तो नहीं होना है लेकिन इस पर्सन के भी पीछे नहीं भागना है। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि यार बहुत बदल गए तुम, अब मत बदलो, अब और बदलना बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपको और बदलना नहीं देख सकते। ये कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, जैसा मुझे चाहिए ना तो बिल्कुल वैसे हो, इससे ज़्यादा तुम अच्छे बन जाओगे तो इतने तुम्हें लायक भी नहीं हूँ, ये कह रहे हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो इनको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं, जो आपने इनको अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में बोला था, तो अब ये बिलीव कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, जो हमें नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो सिर्फ हमारी जानकारी में नहीं है, और जब वो चीज़ जानकारी में आ जाती है तब वो चीज़ समझ आती है कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है। पहले लोग कहते थे कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, अब स्क्वायर अर्थ स्क्वायर शेप में है, पहले ये माना जाता था, फिर और डिस्कवर किया गया तो समझ आया कि अर्थ ओवल शेप में, स्फेयर उसका जो शेप है वो है। तो जब तक पता नहीं था तब तक मानते रहे, और जब पता चला तब क्लियर हुआ। तो वही चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ हमें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, इसीलिए ये इम्पॉसिबल पे बिलीव कर पा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बात की या इनके सामने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, तो ये अब बिलीव कर पा रहे हैं कि हाँ आपसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई इस तरीके का कोई सोल का कनेक्शन है, तभी ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इन्हें अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो सपने देखे थे
अब वो इन्हें प्रैक्टिकल प्लान पे लाने होंगे इन, अब ज़रूर अब समय आ गया है कि जो सपने आपको दिखाए थे वो उनको ये पूरा करने हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखिए दूसरे डेक की फर्स्ट डेक की रीडिंग में भी यही था कि स्पिरिचुअल बात पे जा रहे हैं, ये दसन की एनर्जी आई थी उसी को ये कनेक्ट कर रही है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इन्होंने प्रैक्टिकलिटी यानी मटेरियल वर्ल्ड में बहुत वर्क कर लिया है, अब इनको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, अब इनको ट्रांसफॉर्म होना है, दसन के एनर्जी में इनको आना है, तो ये उसी पे वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेती हूँ इनके इनके थॉट्स और क्या हैं। और आपके लिए इनके डेथ 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 इनका इनकी जो भी साइकिल है, जो भी कार्मिक साइकिल थी वो द एंड हो रही है, कन्फर्मेशन आ गया यहाँ पे, द एंड हो रही है उनकी कार्मिक। मैं फिर से आपको कार्ड याद दिला देती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। ये दो कार्ड जो हैं, ये कार्ड्स देखिए कि कार्मिक का कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लैरिफिकेशन फोर ऑफ वैंड्स, तो ये कार्मिक जा रहे हैं और ये आपसे यूनाइट हो रहे हैं, और इसी को ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये कार्मिक जा रहे हैं और आपका यूनियन में आने वाली हर प्रॉब्लम दूर हो रही है, हर ऑब्स्टिकल खत्म हो रहा है। इटर्नल बॉन्ड, इटर्नल बॉन्ड आपसे इनका इटर्नल बॉन्ड है, आपका आपका इनसे जन्मों का नाता, तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल दुभाता कोई, यही गाते फिर रहे हैं आजकल ये यही कह रहे हैं कि तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई। ऐसे ही थोड़ी ना किसी से कोई प्यार हो जाता है, ये जन्मों का नाता है तभी इतना प्यार हो गया है, ऐसा ही महसूस कर पा रहे हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं, वो पल याद कर रहे हैं जो जिन पलों में आपने मस्ती से एक दूसरे से बातें की थी। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, अब कोई वो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं है जो हमारे यूनियन को डिले करे, जो हमें एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोके। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मदर अर्थ के मैसेज देख लेती हूँ, मदर अर्थ आपको क्या मैसेज दे रही हैं। मदर अर्थ यहाँ आपको मैसेज दे रही हैं, मदर अर्थ का मैसेज आपके लिए आया है, इनिशियल ई आया है, ई ज़रूर हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल हो या आपका इनिशियल हो, जो भी अजीब इस ई से इसका ई से कनेक्शन ज़रूर होगा। ई आपके लिए काफ़ी, ई इनिशियल काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, ये हो सकता है कि आपका आपका वर्क प्लेस हो या फिर आप कोई काम करें, किसी चीज़ का अगर नाम रखें तो वो ई से रखें, ई से आपका आपका और आपके पर्सन का कोई कनेक्शन हो सकता है ज़रूर। और नेक्स्ट देखती हूँ मैसेज आपके लिए क्या है। ई फॉर एक मुझे बार बार थॉट आ रहा था कि ई फॉर कुछ अलग है, कुछ और, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद भी मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं थी, कुछ और बोल रही थी। ई फॉर एंड, डेथ आया ना, ई फॉर एंड यानी कार्मिक साइकिल एंड, यहाँ अभी सेकंड क्लैरिफिकेशन था डेथ के कार्ड से, अब ये फर्स्ट क्लैरिफिकेशन था डेथ के कार्ड से और सेकंड क्लैरिफिकेशन आ गया ई फॉर एंड, जो कि पहला डेक कह रहा था कि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पे स्वीट पोटैटो आया है यानी स्वीट, अब जिंदगी आपकी स्वीट ट्रीट होने वाली है, रिश्ता आपका स्वीट ट्रीट होने वाला है, ये प्रकृति है, कायनात आपको ब्लेसिंग दे रही है आपके रिश्ते को, तो ये मदर अर्थ की ये प्रकृति की आपके लिए ब्लेसिंग थी। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग थी, अगर आपको कुछ और जानना है, आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए या हॉरोस्कोप दिखाना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उस पर अब वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, मुझे पता होगा कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आप गाइडेंस के लिए वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलेगी। आपको नीड हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, तो जो हो सकेगा पॉसिबल मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राधे कृष्णा।